नमस्कार, मेरा नाम है शिरीष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जो काफ़ी समय से मेरे मन में था। कुछ लोगों ने मेरे पुराने गन वीडियोस को देख करके मुझसे पूछा कि मैंने राइफल्स कहाँ से ली, उनके पेलेट्स कहाँ से लिए। कुछ रिसेंटली जो उन लोगों ने पूछे थे, उनको मैंने हमेशा कमेंट में ये किया कि होली के बाद हम ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज यही अटेम्प्ट है हमारा कि हम कुछ एक ऐसी वेबसाइट्स आपको बताएं जिनसे आप अपने एयर वेपन्स परचेज कर सकते हो और एयर वेपन से रिलेटेड सामान ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। जब मैं छोटा था, 10 साल का, उस टाइम पे मुझे मेरी पहली एयरगन मेरे नाना ने दी थी, जो उन्होंने किसी अंग्रेज से खरीदी थी अपने सबसे छोटे भाई के लिए। वो एयरगन मेरे नाना के ब्रदर से मेरे मामा को मिली और मेरे मामा से मुझे मिली। दैट वॉज डायना मॉडल 22 मेड इन वेस्ट जर्मनी। दैट कम्स इन 177 कैलिबर। सेकेंड एयरगन मुझे दिलाई गई थी नेशनल की 25, मेड बाय इंडियन यूम पाइप कंपनी। तब मैं सारे पैलेट्स और सारी चीज़ें यहाँ जो भोपाल में मेरे लोकल आर्मरी वगैरह हैं, इनसे खरीदता था। और उसके बाद जब मैंने नौकरी करना चालू किया, दैट वाज आफ्टर 2013, मैंने कुछ ऑनलाइन पैलेट्स और ऐसी चीज़ें खरीदना मैंने चालू किया। जो पहली वेबसाइट थी, वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहली वेबसाइट थी, दैट वॉज कॉल्ड रेलिश स्पोर्ट्स, बेस्ड इन बल्लारपुर, महाराष्ट्र। इनकी वेबसाइट तो अब नहीं दिखती है, नंबर यहाँ गूगल पे दिया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि वेबसाइट ऑपरेशनल है या नहीं है, क्योंकि वेबसाइट जब से बंद हुई तो मैंने कभी इनसे दोबारा सामान खरीदा नहीं है। सेकेंड वेबसाइट जिनसे मैंने सामान लिया, सिंडिकेट इनोवेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड। इनका कीबर्ग का सामान ये इंडिया में लाते हैं। तो ये वेबसाइट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इससे मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं। मैंने पेलेट्स भी लिए हैं, मैंने जो सिलेंडर्स होते हैं CO2 गन्स के, तो मैंने सिलेंडर्स भी लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। और इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। इसकी वेबसाइट को आप जा करके देख सकते हो, ये सारी जेन्युइन है, मैं हाईली ट्रस्टेड वेबसाइट है, मैंने इनसे सामान बहुत लिया है। तो कई सारी चीज़ें बेचते हैं ये शूटिंग रिलेटेड। आप इनकी वेबसाइट keyberg.in पे जाके आप देख सकते हो। फिर एक और वेबसाइट है kovibazaar.com। कोवी मीन्स गन, सो कोवी बाजार मीन्स गन बाजार। ये मेरे ख्याल से चेन्नई में बेस्ड हैं। इनके पास भी अच्छी रेंज है पेलेट्स की। और नॉर्मली मैंने करे ये है कि मैंने हमेशा वेबसाइट्स को चेक करने के लिए कि ये कोई स्कैम तो नहीं है या ये आपका पैसा खा तो नहीं जाती, मैंने छोटी छोटी चीज़ें पहले मंगाई। जैसे मैंने पेलेट्स पहले मंगाए, उसके बाद मुझे लगा कि और चीज़ें मैं इनसे खरीद सकता हूँ, तो मैं इनसे लेता रहता हूँ। कई सारी चीज़ें मैंने इनसे ली हैं। तो kovibazaar.com एक और वेबसाइट है। फिर एक और वेबसाइट है airgunbazaar.in। इनसे भी मैंने सामान लिया है। इनके साइट पे भी पैलेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, इनसे आप ले सकते हो सामान। ये ऊटा एयरगन्स जो हैं, ये ऊटा के मैंने पैलेट्स पहले, मतलब देसी टाइप के पैलेट्स होते हैं, ये मैंने यूज़ करा। मेरे ख्याल से इनका यूनाइटेड ट्रेडिंग एजेंसी UTA जो है, इसका वेबसाइट है ये। कई सारी चीज़ें, एयरगन्स हैं, एयर पिस्टल है, आर्चरी का सामान है, PCP एसेसरीज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनसे भी मैंने सामान लिया है। फिर एक और वेबसाइट है एयरगन हब इंडिया, इससे भी मैंने सामान लिए हैं। पेलेट्स वगैरह मैंने इनसे मंगाए हैं, कई सारी चीज़ें मैंने इनसे मंगाई हैं। ये भी लेजिटिमेट हैं, सामान आपको भेजते हैं। इनका नंबर भी ऊपर दिया हुआ है हर वेबसाइट पे। वैसे नंबर जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब में उनके नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ चाहिए और आप इनके स्टॉक चेक करना चाहते हो ऑर्डर करने से पहले, तो आप इनको कॉल करके पूछ सकते हो। जस्ट अगर लेना हो तो कॉल करो, किसी को कॉल ऐसे मत करो कि आप इंक्वायरी कर रहे हो और फिर आप ले नहीं रहे हो, लेना हो तो ले सकते हो। तो यहाँ फ्रीचर्ड ब्रांड वगैरह जो ये करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये नाम है इनका एयरगन हब इंडिया, ये यहाँ से भी आप मंगा सकते हो। फिर नेक्स्ट वेबसाइट है मानव गन। मानव गन जो है वो आदि मानव जो धमाल में थे, उस टाइप का नाम लगता है। जो आदि और मानव एक यूनिट होते थे, और पैसा देते समय एक यूनिट होते थे और लेते समय फिर अलग अलग यूनिट हो जाते थे। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ बिवेयर ऑफ फ्रॉड कॉन्टैक्ट ओनली जो नंबर लिखा है, तो हो सकता है कोई फ्रॉड होता हो, मुझे नहीं। मैंने इनसे वैसे तो अभी तक मैंने मानवगंज से कुछ भी नहीं मंगाया है, बट मैं मंगाना चाहूँगा इनसे। ये एक ट्रिपल पावर डबल पावर, ये आपको कॉर्क दिख रहे होंगे, ये धूप में सुखा के चलाने का होता है। तो ये ब्लैंक गन नहीं है, ब्लैंक गन अलग चीज़ होती है, जिसके अंदर कार्ट्रिज जो बैन हो गई आर्म्स रूल 2016 के बाद, ब्लैंक गन्स अब नहीं आती हैं। ये कुछ साउंड बनाने वाली गन है, और क्योंकि ये बैंड नहीं है तो मेरे ख्याल से ब्लैंक में नहीं आती। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये ब्लैंक है क्या है, किसी ने यूज़ करी हो तो मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी सारी रेंज है इनके पास भी, आप चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट वेबसाइट इज एयरगन कार्ड डॉट कॉम, इनसे मैंने सामान मंगाया है और एयरगन कार्ड की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, इसका नंबर भी इनका ऊपर दिया हुआ है। इनसे मैंने सामान मंगाए हैं, पेलेट्स वगैरह मैंने इनसे मंगाए हैं। इनकी वेबसाइट पे आप क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हो। नॉर्मली जैसे ये आउट ऑफ स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आउट ऑफ स्टॉक नहीं लिखा हुआ है, बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप परचेज करते हो उनका कॉल आता है कि शायद वो वेपन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो ये कुछ ब्रांड जो रखते हैं इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। आप और कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो एक वेबसाइट। नेक्स्ट वेबसाइट इज एयरगन इंडिया डॉट कॉम, ये भी एक बार अपन देख लेते हैं। ये जो एयरगन इंडिया डॉट कॉम है वे डाउन फॉर मेंटेनेंस, नाम आप देख लो एयरगन इंडिया डॉट कॉम, ये ऐसी दिखती है ये एयरगन इंडिया। कभी वापस आप जाके देख लेना जब इनकी वेबसाइट अप हो। फिर नेक्स्ट वेबसाइट है अमन एयरगन इंडिया डॉट कॉम, इनसे मैंने अपनी डायना माउजर K98 खरीदी थी। ये वेबसाइट भी चल नहीं रही है लेकिन ठीक है, ये नाम देख सकते हो। ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक स्पेस कम है इसलिए ऐसा हो रहा हो, अमन यहाँ पे स्पेस कम है क्या? ये नहीं, वो मेरा ऐसे ही दिख रहा है, अमन एयरगन इंडिया प्रोटेक्टेड साइट, शायद ये भी डाउन फॉर मेंटेनेंस है। नेक्स्ट साइट इज एयरगन शॉप डॉट इन, ये नजमी फायरवर्क्स नाम से छत्तीसगढ़ में है। इनसे मैंने बहुत सामान खरीदा है और मेरे शॉपिंग एक्सपीरियंस में बोलूँगा कि ये सबसे अच्छी वेबसाइट मुझे लगती है। मैं MP में हूँ, ये छत्तीसगढ़ में नेबरिंग स्टेट के हैं और इनकी भी पैकिंग बहुत अच्छी है, कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। इनसे मैंने प्रक्योल की NX 200 एथेना खरीदी थी अलॉन्ग विद लॉट ऑफ पेलेट्स एंड स्टफ। तो इनके यहाँ पे जो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक मतलब सही में आउट ऑफ स्टॉक और जो स्टॉक मतलब सही में स्टॉक ऐसा दिखाते हैं, कई सारी चीज़ें मैंने इनसे ली हैं। और आगे मैं चाहता हूँ कि डायना स्टॉर्म राइडर लेने का, ये रेगुलेटेड वाली जो दिख रही है, मन है, या इवेनेक्स लेंगे, कोई दूसरी वेपन लेंगे। तो ये वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट्स जो हैं ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एयर वेपन्स हैं, इनके लिए लाइसेंस नहीं लगता है, जो एक सर्टेन मजल एनर्जी से कम की होती हैं। जो दिख रही हैं वो सारी 2016 रूल्स के हिसाब से जो मजल एनर्जी है वही वाली हैं ये सारी। नेक्स्ट वेबसाइट इज अनीश आर्मोरी, ये तमिलनाडु में हैं। इनसे भी मैंने पैलेट्स वगैरह चीज़ें खरीदी हैं, इनसे क्लीनिंग पैलेट्स लिए हैं, जी स्मिथ कंपनी के कई सारी चीज़ें। इनके पास भी अच्छा कलेक्शन है, ऑल इंडिया डिलीवरी वगैरह देते हैं। जितनी वेबसाइट्स वैसे मैं बता रहा हूँ सभी ऑल इंडिया डिलीवरी देती हैं, कुरियर से भेजते हैं, कुरियर तो कहीं भी पहुँच जाता है। तो इनका नंबर वगैरह भी दिया है, इसका कलेक्शन आप इनका देख सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं इनके पास। नेक्स्ट वेबसाइट इज PCP शॉप डॉट इन, ये ट्राइजेक्ट्रॉन पता नहीं क्यों लिखा है। जब मैंने इनकी वेबसाइट पहली बार देखी थी तब उसमें कुछ ट्राइजेक्ट्रॉन नहीं लिखा था, या तो मैं किसी गलत वेबसाइट पे आ गया हूँ या कुछ। तो ये PCP मॉड्स हैं इनके पास, फिर ब्रांड्स कौन कौन से बेच रहे हैं, फिलिंग किट्स हैं, एयर सिलेंडर्स हैं, फिल एसेंशियल्स हैं, साइट्स, रेल अडेप्टर्स, पेलेट्स, एसेसरीज एंड रिपेयर भी करते हैं ये लोग। इनका नंबर दिया है क्या यहाँ पे? इनका नंबर नहीं दिया है, ऊपर दिया है, नंबर दिया है, इनसे आप बात कर सकते हो। दिस वेबसाइट इज अबाउट PCP गन, अगर आपके पास है तो ये PCP के लिए स्पेशल वेबसाइट है। मैंने कुछ लिया नहीं है लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आपने लिया हो तो बता दो। नॉर्मली जो मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले वेबसाइट की सबसे सस्ती चीज़ है पैलेट की डब्बी हो गई, एक खरीद के देख लेता हूँ कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करने से पहले कि पार्टी कैसी है, लेजिटिमेट है नहीं है, ट्रांजेक्शन क्या है, आइडिया लग जाता है उससे। देन नेक्स्ट वेबसाइट इज ऑनलाइन एयरगन डॉट कॉम, इसका जो गन हाउस है उसका नाम है राजपूत गन हाउस। यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो बना है, इनका खुद का लोगो नहीं है बट वेबसाइट है, ये राजपूत आर्म्स दिया है नीचे, इनका नंबर है ऊपर, शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। तो इनके पास भी कई सारी चीज़ें हैं, इनसे मैंने कुछ खरीदा नहीं है लेकिन आगे मैं बिल्कुल खरीदना चाहूँगा इनसे। कई सारी चीज़ें हैं, टॉर्च एंड फ्लैशलाइट वगैरह भी है, कई वेबसाइट्स पे दिखती हैं इस टाइप की चीज़ें। क्या कुछ लोगों के कैंपिंग वगैरह का सामान भी, जैसे कीबर कैंपिंग का सामान भी रखता है, सेल्फ डिफेंस का सामान भी रखता है, तो इनसे भी आप देख सकते हो, ले सकते हो कुछ सामान। दिस देन द नेक्स्ट वेबसाइट इज एयरगन्स इंडिया डॉट कॉम, ये आदित्य इनोवेशंस नाम से मुंबई महाराष्ट्र में है। इनसे मैंने सामान लिया है, पैलेट्स वगैरह मैंने कुछ ऑयल पैलेट्स और इस टाइप की चीज़ें मैंने ली हैं। ये सुमात्रा ईगल क्लॉक कार्बाइन, ये कोरियन अच्छी बंदूक होती है, मेरे पास तो नहीं है, काफ़ी पावरफुल PCP होती है मैंने सुना है। तो इनके पास भी जैसे अब ये MTM का ये शूटिंग रेस्ट वगैरह है, मेरा लेने की इच्छा है आगे चल के, अगर अपन 10 मीटर की एयर राइफल रेंज बनाते हैं तो ये सब जो ये गन क्लीनिंग के लिए भी बड़े काम आते हैं, ये
शॉटगन रखने के, शेल रखने के डब्बे वगैरह, बहुत बहुत सारी चीज़ें इनके पास में। इनका कलेक्शन आप देख सकते हो, ये जो ब्रांड्स ये लोग दे रहे हैं इसके बारे में जानकारी है, नंबर वगैरह इनका, ऊपर हॉटलाइन, इनका हॉटलाइन नंबर है 900 900 वाला। तो आफ्टर डॉग्स ओनली गन्स कैन लव यू बैक, ठीक है, अच्छी बात है, अपन तो एनिमल लवर भी हैं और गन लवर भी हैं। नेक्स्ट इज वेल शॉट डॉट इन, इनसे मैंने कुछ पोस्टर्स भी खरीदे हैं, कुछ जैसे वो चिंदी आती है ना जो वेपन साफ करने की, चिंदी वगैरह खरीदी है, पोस्टर्स खरीदे हैं, कुछ पेलेट्स खरीदे हैं। इनका खुद का एक क्रोनोग्राफ भी है वेल शॉट निर्णय मार्क टू नाम से, मेरे पास कैडवल का है, उसका वीडियो लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ऊपर भी अभी आपको दिखेगा, वीडियो पूरा देखना फिर उसके बाद जाकर के वो वाला वीडियो देखना। तो इनके पास शायद ये लोग रिपेयरिंग भी करते हैं और कई सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। ये टारगेट चेंजर है इनके पास, एयर राइफल का स्टैंड है, और अच्छी महंगी जो ओलंपिक ग्रेड राइफल वगैरह रहती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स भी हैं। ये इनका वेलशॉट निर्णय मार्क वन बैलिस्टिक क्रोनोग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप शूटिंग के शौकीन हो तो क्रोनोग्राफ तो देखो ले ही लेना चाहिए, मतलब वो पॉकेट वाला, मतलब ये जो ऐसा वाला रहता है ना जिसमें ये दोनों एंटीना के बीच में से प्रोजेक्टाइल निकलता है, मेरे वाले के लिए ऊपर ये नहीं था, तो कहाँ था ये वेलशॉट के साथ में जो ये आईआर के दिख रहे हैं दो रिसीवर्स, ये आते नहीं थे मेरे कैडवल के क्रोनोग्राफ में, तो ये मैंने अलग से बनाए थे। मैं एक बार आपको इनकी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, इनके में आते हैं पावर्ड बाय 4AA साइज बैटरीज, वेबसाइट की फ़ोटो लोड नहीं हो रही। ये जो ऊपर आपको ये दिख रही है ना LEDs, ये मेरे वाले क्रोनोग्राफ के साथ, कैडवल के साथ आते नहीं हैं, इनके साथ में हैं। और कैडवल का क्रोनोग्राफ भी थोड़ा सा महंगा है, इनका 15,750 का है, मेरा कुछ 21,000 का था जिसमें ये सब किट वाला सामान भी नहीं है, मुझे अलग से बनाना पड़ा था। आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट इट इज़, मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं अलग अलग लोगों की, जिनकी वीडियोस में तो काम करता वो दिख रहा है, क्रोनोग्राफ है तो काम तो करेगा। वेल शॉट आप देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से कोलकाता की कंपनी है, कोलकाता ये हाँ वेस्ट बंगाल, इन सेरामपुर वेस्ट बंगाल इंडिया, इनका नंबर वगैरह भी दिया हो, ये आप देख सकते हो। देन पेलेट शॉपी वेबसाइट है, ये शॉप और शॉपी में क्या होता है ये बताओ मुझे, ये शॉपी क्या होती है पहले तो, मैंने कई जगह देखा है शॉपी में पीपी भी है, ईई भी है, क्या होती है शॉपी? ये वॉल्थर रोटेक्स, मुझे नॉर्मली वेपन जब तक लकड़ी नहीं हो ना, वो महंगी महंगी एफएक्स और इतनी सारी एयरगन्स आती हैं, वो सब ऐसा लगता है खिलौना है, भले ही होंगी लाखों रुपए की होंगी लेकिन जब तक लकड़ी ना हो ना तब तक एयर वेपन का वो या कोई भी वेपन का फील लकड़ी से होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बता सकते हो, लोगों को टैक्टिकल राइफल्स और ये सब बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में, मुझे तो जब तक लकड़ी का बट और लकड़ी का स्टॉक हाथ में नहीं होना तो मेरे को लगता ही नहीं कि कुछ वेपन पकड़ा है, खिलौना लगता है मुझे बिना लकड़ी के। तो इनसे मैंने पेलेट शॉप वालों से पेलेट्स ही मंगाए हैं, नाम ही पेलेट शॉप है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मैं पहले तो बहुत, ये मैंने बहुत चलाए हैं मास्टर शॉट वाले, ये भी हैं मेरे पास लेकिन एयरगन स्लग्स में उतने चलाता नहीं हूँ। एक्साइट इकॉन भी खूब चलाए हैं मैंने, जीरो रिकॉइल माउंट जो दिखा रहे हैं ये अच्छा होता है, अगर आप टेलीस्कोप लगाते हो अपने एयर वेपन में तो अंदर जो स्प्रिंग पिस्टन होती है वो स्प्रिंग फायर करने पे टेलीस्कोप की सेटिंग हिला देती है, तो ये ZR जो होता है जीरो रिकॉइल माउंट बोलते हैं, ये डायना का मन था लेने का, अगर देखते हैं आगे चल के लिया हो मतलब हुआ तो लेंगे, वैसे कोई मतलब नहीं होता एयर राइफल टेलीस्कोप लगाने, दिखा क्यों दिखाना है, मतलब एयर राइफल की रेंज इतनी होती नहीं कि आप उस पर टेलीस्कोप लगाओ, एटलीस्ट मेरे पास जो है उनकी तो नहीं है, आपकी अगर कोई पीसीपी वगैरह हो तो उसमें हो सकती कि हो अच्छी रेंज। पेलेट शॉप को बंद करते हैं, अगली वेबसाइट है शारदा गन हाउस, इससे मैंने प्रोमिथियस नाम से एक पेलेट इनके यहाँ दिखा रहा है वो मैंने लेने की कोशिश करी थी। इनके यहाँ पे अगर आप शारदा गन हाउस वाले को जानते हो या शारदा गन हाउस वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके चेकआउट करने पे पेमेंट होती नहीं है, वो एक गोल 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 घूमता रहता है, पेमेंट होती नहीं। मैं चाहता था कुछ खरीदूँ लेकिन मैं खरीद नहीं पाया, मैं आपको कौन सी चीज़ मुझे चाहिए थी इनके यहाँ से वो दिखा भी देता हूँ, अगर अभी जल्दी से वेबसाइट लोड हो जाए। आई एम यूजिंग अ जियो का कनेक्शन इंटरनेट पे चलने वाला, लेकिन पता नहीं क्या इनकी वेबसाइट में दिक्कत है क्योंकि मेरी बाकी वेबसाइट तो लोड हो रही हैं। ऑफलाइन मेरे फैमिली में कुछ लोगों ने, दिल्ली में ये शायद बेस्ड हैं, इनसे हमने सामान लिया है ऑफलाइन मोड में लिया है। तो ये प्रोमिथियस जो आपको दिख रहा है ये पैलेट मेड इन इंग्लैंड, मुझे खरीदने का मन था ये वाला, लेकिन ये अगर मैं खरीदता हूँ तो ये चेकआउट पे जाकर के पेमेंट होता ही नहीं है इसका, तो ऑर्डर कभी मैं लगा नहीं पाया। नेक्स्ट इज MC बरुआ एंड सन होम भोपाल में, अगर आपको प्रोनंसिएशन में हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत आएगी, ये जो हैं ये आसाम के हैं और इनसे मेरी बात व्हाट्सएप पे भी हुई है,
रिगार्डिंग वेबले स्कॉट की जो पेलेट रिवॉल्वर होती है, पेलेट CO2 रिवॉल्वर होती है, तो बीबी वाली इज अराउंड 30,000 एंड पेलेट वाली इज समवेयर अराउंड 60,000, ऐसा ऑनलाइन दिख रहा है। कहीं कहीं लोगों ने 35,000 की भी इंडिया मार्ट वगैरह पे दिखाई है। तो इनसे मेरी बात हुई है, ये लेजिटिमेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इनसे अभी तक कोई मेरा ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ नहीं है। एंड दे क्लेम कि काफ़ी सारे गन हाउस वाले इनसे खरीद के फर्दर बेचते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली से कि जैसे ये इन्होंने बोला है कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, तो हाँ ये आपको, अगर आप पैलेट खरीदोगे तो आपसे कोई नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आप वेपन खरीद रहे हो तो आपको अपना आईडी देना पड़ता है जो जिनसे आप खरीद रहे हो। एंड अगर आपने कोई एयर वेपन खरीदा है, भले ही उसके लिए लाइसेंस ना लगता हो, लेकिन इट इज़ ऑलवेज सेफ टू कीप द ओरिजिनल इनवॉइस जो आप, और जो शिपिंग का इनवॉइस है ये आप अपनी गन के साथ संभाल के रखो। एंड जो भी उसका ओनर्स मैनुअल है या जिसमें उसके स्पेक्स लिखे हैं कि वो कितना फीट पर सेकेंड मजल वेलोसिटी है, ये सब चीज़ें वाला एक डॉक्यूमेंट आप अपने वेपन का संभाल के रखो, भले ही उसका लाइसेंस ना लगता हो तब भी रखो। नेक्स्ट वेबसाइट इज एयर गन किंग, ये राजस्थान की है। एयर गन किंग वालों से भी मैंने कुछ एक पैलेट वगैरह कभी मंगा करके किया था, इनसे मैंने कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन तो अभी नहीं किया है। एक ये कुछ हिरन टाइप का बना हुआ है, अपन तो देखो हंटिंग करते नहीं, अपन तो फील्ड टारगेट और पेपर टारगेट वाले लोग हैं, निशाने की प्रैक्टिस करते हैं, अपन हंटिंग वंटिंग कभी ना जिंदगी में करी ना करेंगे। देख सकते हो आप इनकी वेबसाइट्स, अच्छी चीज़ें हैं। ये जो टारगेट आपको दिख रहे हैं ये स्पिनर वगैरह, ये फील्ड टारगेट के लिए आते हैं। प्लिंक स्पोर्ट करके कंपनी, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लग खोल करके इसको बंद करते हैं, यहीं पे प्लिंक स्पोर्ट खोल लेते हैं। तो ये प्लिंक स्पोर्ट डॉट इन जो वेबसाइट है, इनके इनका एक शूटिंग रेस्ट है मेरे पास। अब ये देखो यही होता है, प्लिंक स्पोर्ट हुई, फिर गो डैडी, जब आपको दिखाएं, मैं वीडियो बना रहा हूँ कहाँ है, तो आधे 3 लोगों की वेबसाइट ही नहीं चली, बताओ इसमें। तो ये टारगेट अमेजोन पे भी मिलते हैं, ये सारे प्लिंक स्पोर्ट के टारगेट्स हैं, ये डबल, ये प्लिंक स्पोर्ट। अच्छा, ये जो इको शॉट आप देख रहे हो, ये इको शॉट क्या है, ये आपके प्लिंकिंग सेशन क्या था, इसमें से पौधा उग जाता है, मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन इसको आप एयर वेपन से फोड़ोगे, इसके अंदर सीड मटेरियल होता है, तो दे क्लेम कि आपका शूटिंग सेशन थोड़ा इकोलॉजिक तरीके से, कुछ घर में पौधे वौधे उग जाएं। डेफिनेटली ट्राई करके देखना चाहूँगा, अभी तक किया नहीं है। 1,500 रुपये के 100 बहुत महंगे हैं, लेकिन टारगेट ठीक है, मतलब आप अपनी रेंज में। कई सारी चीज़ें मैं खुद बना लेता हूँ टारगेट वगैरह, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे कभी, फील्ड टारगेट वाली जब रेंज बनाएंगे तो वो वीडियो अलग बनाएंगे, अभी अपन इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट इज प्रेक्योल स्पोर्ट्स। मैंने जब प्रेक्योल की NX 200 खरीदी थी, तो मैंने वो एयरगन शॉप डॉट इन वालों से खरीदी थी, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे जैसे प्रोडक्ट है। अब इनकी एयर राइफल में जाओगे, प्रेक्योल वाले अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं आपकी वेबसाइट पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे को खरीदनी है ये NX 200 पे आओ, ठीक है, ये NX 200 पे आए। अब इसको अगर अपन खरीदने की जाएंगे ना, आपकी वेबसाइट पे आपने देखा यहाँ पे ये लोड पिक्चर लोड हुई, ये वुडस्टॉक की, वुडस्टॉक में भी दो आते हैं, एक ब्लू वर्जन आता है, एक RF आता है, रस्ट्री, मैंने रस्ट्री लिया था। अब यहाँ पे आप इसको खरीदने जाओगे ना, तो इनके प्रोडक्ट्स के अंदर में लकड़ी वाला ऑप्शन नहीं दिखाता। अब इसका तरीका है इस वेबसाइट पर ढूंढने का, आप यहाँ पे कहीं पे डीलर पे जाओ, एयर राइफल पे जाओ, स्टोर पे जाओ, स्टोर पे जाओ, यहाँ पे एक सर्च का एक ऑप्शन, अब यहाँ जाके एक सर्च प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे जैसे मुझे वुड में चाहिए, तो मैंने वुड लिखा, मैंने एंटर किया, तो अब ये जो राइफल इनके स्टॉक में वुड में होगी ना, वो सिर्फ ये दो दिखा रहा है। अब अगर मुझे कोई और खरीदनी है वुड स्टॉक में, कैमो स्टॉक में जो आती है, तो ऑप्शन ही नहीं देते हैं। यही वेबसाइट की जगह आप किसी आर्मरी वाले के पास जाओगे, उसके पास स्टॉक में होगी, तो वहां से खरीद लो, जैसा मैंने किया था, क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे वुड स्टॉक जो आप बनाते हो, एक ऑप्शन वो आपके खुद के स्टॉक में कभी रहता नहीं है। बुराई से नहीं कह रहा हूँ, अगर देख रहे हो वीडियो तो बताना चाहूंगा, मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से क्यों करूँ, मतलब आर्मरी वाले से खरीदूँ जाकर के आपका प्रोडक्ट, जब आपकी खुद की ई कॉमर्स स्टोर है। खैर एनी विच वे, इनके पास और चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टारगेट्स हैं, तो आप ये इनके स्टैंडर्ड टारगेट्स हैं, ये मैंने यूज़ करता हूँ, ये आप मंगा सकते हो। ये मैंने कभी खरीदा नहीं, ये जो पेलेट ट्रैप है इसके अंदर टारगेट फिट हो जाता है। इसके अलावा इनकी PCP गन्स भी हैं, PCP का सामान भी है, इसका मेरे पास गन केस वगैरह भी है। पेलेट्स मैंने आज तक कभी इनकी यूज़ नहीं किए, एक्सेप्ट फॉर द सैम्पल पेलेट्स जो NX 200 के साथ आए थे। NX 200 और डायनामोजो K98 के जो अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हैं, वो हमने आज तक बनाए, मतलब कुछ शूट किया है, आगे अपलोड करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट बढ़ते हैं
गारे गन्स जो है ये गंडाविया एडवांस रिसर्च एंड इक्विपमेंट, इनसे जो ओनर है इनसे मेरी कभी फ़ोन पे बात हुई थी रिगार्डिंग, मुझे कुछ चाहिए था तो ही हेल्प मी आउट। मैंने अभी तक गारे की कोई गन तो खरीदी नहीं है। दे आर मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसीशन एयर गन्स इन इंडिया, मेड मेक इन इंडिया वाले, मेड इन इंडिया इनकी गन्स हैं। तो ये वेबसाइट पे शेयर भी इन्होंने विद प्राइड बना के रखा है। तो इनकी भी अच्छी गन्स हैं, पीसीपी गन्स हैं इनकी। तारीफ सुनी है मैंने, यूज़ नहीं करी कभी, मौका नहीं लगा। आगे ज़रूर चाहेंगे कि रिव्यू करने को मिले या चलाने को मिले तो करना चाहेंगे, पीसीपी इंडियन पीसीपीज जो हैं। फिर एक वेबसाइट है माई दुकान डॉट आई ओ करके दिखाता है, लेकिन आप इनका यूट्यूब चैनल भी है माउंटेन मैन हरीश नाम से, मैंने इनकी वीडियोस अच्छे से देखी हैं। एक वो 306 से ये वो जो फायर एक्सटिंग्विशर का टैंक होता है उस पर गोली चलाई थी, वो पहली वीडियो मैंने इनकी देखी थी। इनकी ये नीचे चैनल भी है, अगर आप ऑलरेडी इनके चैनल को कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जाके आप इनकी वीडियोस भी देखो। इनकी जो ये दुकान है ऑनलाइन दुकान, इसके अंदर भी अच्छा सामान है। बैक टू स्टोर, इनसे मुझे क्या खरीदना था देखो, अब ये क्या होता है, ये चले ही जाता है। माउंटेन मैन हरीश, तो माउंटेन मैन हरीश के यहाँ पे मेरे को इनके यहाँ पे अच्छे रेट पे दिख रहा था, तो मेरा मन है खरीदने का। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से मुझे क्या चाहिए था। राइफल एसेसरीज, केस नहीं, प्रोन 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 पोजीशन वाला मैट होता है ये, तो ये खरीदना है अपने को। ये ऑन सेल दिखा रहा है, अच्छे रेट पे दिखा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है कि इसके अंदर प्रोन पोजीशन, जिसको मतलब लेट के चलाने वाली जो पोजीशन है ना, तो उसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। एक नीलिंग पोजीशन होती है जिसमें घुटना टेक करके चलाते हैं ऐसे, मतलब इस चीज़ के ऊपर रख के, और एक स्टैंडिंग पोजीशन होती है। तो ये प्रोन पोजीशन सबसे स्टेबल पोजीशन मानी जाती है शूटिंग में। तो ये इसके अंदर आपकी राइफल आ जाती है और ये फोल्ड होकर के पीठ पे टांगने वाला बैग बन जाता है। तो ये अमूमन हर वेबसाइट पे 6,500 का दिखाता है, इनके यहाँ 6,000 का है। तो मेरे को ऐसा नहीं कि 6,000 नहीं है, बट ये है कि बजट अपने को शूटिंग में हर महीने में कुछ ना कुछ जरूर खरीदता हूँ, भले एक प्लेट की डब्बी खरीदूँ, अच्छा लगता है मुझे, मतलब मेरी हॉबी रही है बचपन से। तो ये एक विशलिस्ट का सामान है, ये खरीदेंगे अपन। नेक्स्ट वेबसाइट इज इनविंसिबल वन डॉट इन। इनविंसिबल वन से मैंने सामान लिया था, पैकिंग उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम से अच्छी करेंगे। उन्होंने ऐसी मतलब एनवेलप में डाल के एक पैलेट की डब्बी भेजी थी, वो पूरी पिट पिट पिटा के आई थी, मतलब पिचक गई थी। मैं कलेक्ट करने वाला आदमी हूँ, मेरे को दिल से अच्छा लगता है चीज़ों को अच्छे से रखना, तो मैं पिटी हुई पिचकी हुई डब्बी मिली थी पैलेट की, तो मैंने इनको फोटो डाली थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा तो होता है, मैंने कहा कि आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, जब भी करेंगे भेजेंगे। इन ये भी लेजिटिमेट है, इनसे मैंने सामान लिया था। नीचे टेस्टिमोनियल आ रहे हैं कि क्या है इनका, इनकी वेबसाइट से आप ले सकते हो सामान, कई सारी चीज़ें इनके यहाँ दिख रही हैं। मैंने सिर्फ एक बार प्लेट की डब्बी ली थी। इसके बाद में ये शिरीष त्रिपाठी हैं, इनके यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब ये गन वीडियोस बनाते हैं तो ये शूट दैट विद गन एंड शूट शूट विद गन एंड शूट दैट विद अ कैमरा वाली प्लेलिस्ट में अपनी गन वीडियोस डालते हैं। खुद को प्लेलिस्ट का नाम भी याद नहीं रहता ढंग से। खैर एनीवे, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो डू क्लिक दिस बटन, यहाँ कोने में है ये वाला, और मिलेंगे अगली वीडियोस में। देखते रहिएगा शरीफ त्रिपाठी।